पेशकश में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, लेकिन किसी सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है, इस पर फैसला अंतिम मोहर जनता ही लगाएगी। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी की टीम गुरुग्राम लोकसभा के गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र पहुंची। देखिए जनता टीवी के संवाददाता आकाश खुराना की ये स्पेशल रिपोर्ट। आम चुनावों का बिगुल बज चुका है। बात करें लोकसभा चुनाव को पूरे देश में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो हरियाणा में 25 मई यानी कि छठे चरण में जो है मतदान होगा। इसी को लेकर गुरुग्राम वासियों की क्या कुछ राय है, किस तरह देखते हैं आम चुनावों का बिगुल बज चुका है, क्या कुछ राय है आप लोगों की? मोदी के साथ है हम तो, अभी सारा परिवार मोदी का परिवार है, अभी तो अगली बारी देखेंगे क्या होगा। सांसद की बात करें यहाँ से, सांसद को ना जानते हैं ना कभी मुलाकात, ना कोई काम का हमारे को बताओ, हम तो मोदी को वोट देने की वजह से देंगे। देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं, सांसद की अगर बात करें तो सांसद ने क्या कुछ, कभी आप सांसद से मिले हैं या सांसद आपके इलाके में कोई काम है वो करवाएं? नहीं, बहुत बार आए हैं, मिले भी हैं उनसे, आते जाते भी रहते हैं, हमारा वकील भाई भी है, सब चीजें हैं। क्या मानते हैं आप कि एक तरफ जिस तरीके से बताया मोदी की तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ सांसद की अगर बात करें तो सांसद के रिपोर्ट कार्ड को किस तरह देखते हैं? सांसद की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली बीजेपी ही आई। देखिए साफ तौर पे जो लोग हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सांसद जो है वो इनके इलाके में आए हैं, कई बार इनकी मुलाकात भी हुई है, आपसे जानते हैं किस तरह देखते हैं आप लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और छठे चरण में जो है हरियाणा में जो है मतदान है, तो क्या मानते हैं? मेरे मानना ये है कि समझदार आदमी को, ईमानदार आदमी को वोट देना चाहिए, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और सही आदमी को चुन के लाना चाहिए, किसी भेड़ चाल में आदमी को नहीं जाना चाहिए, कि वो देखे हमारा सांसद आता भी है कि नहीं आता, और उसने क्या काम किए हैं हमारे सांसद ने, और आगे हम उससे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। ये तो बात अलग है कि हम किसी को भी चुनते हैं वो बाद में पार्टी बदल लेता है, तो मेरा मानना ये है कि एक तो इस चीज पे कंडीशन लगनी चाहिए कि जिसको हम चुन के भेज रहे हैं कम से कम वो अपने ईमान पे रहे, रोज रोज पार्टियां ना बदलता फिरे। आपके हमारे वोट की अहमियत खत्म। आपके सांसद ने किस तरीके का काम किया क्षेत्र की अगर बात? मुझे कोई विशेष लगता नहीं कि हमारे क्षेत्र में हमारे सांसद ने कोई विशेष काम किया हो, और हमारे एरिया में तो सांसद ऐसा कोई नजर भी नहीं आता। तो किस का माहौल देख रहे हैं आप, किस पार्टी का? पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी हो सकता है, अभी तो बाकियों ने कैंडिडेट ही नहीं डिक्लेयर किए किसी ने, तो जो इंसान इनमें से सबसे उत्तम लगेगा उसको वोट करेंगे। देखिए हाथ तौर पे लोगों का कहना है कि कुछ जो खास जो है वो इनको अपने क्षेत्र में नहीं लगा कि सांसद ने कुछ खास कार्य जो है वो इनके क्षेत्र में किए हो। मैं तो मोदी के फेवर में हूं। आप बताइए जी, बीजेपी को सांसद की बात करें तो उसके कार्यकाल को किस तरह देखें? सांसद से तो कोई विशेष हमारा सेक्शन नहीं है, बाकी बीजेपी को ही वोट देंगे, मोदी को। मोदी सरकार तो मतलब सांसद की अगर बात करें तो सांसद ने कार्य जो है इस इलाके में बात करें तो किए हैं, कभी आप उनसे मिले हैं? नहीं, मेरा मिलना नहीं। लोग हैं यही कह रहे हैं, कई लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सांसद ने हैं काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके क्षेत्र में जो काम है वो नहीं हुए हैं। आपसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं आप सांसद के कार्यकाल को? ऐसा सांसद के बारे में तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है, इतना मालूम है ना कोई इतना, बाकी अपना वोट तो मतलब इस बार मोदी के नाम से जो है मोदी को वोट है, लेकिन सांसद से कोई सांसद के बारे में ज्यादा उन्हें पता नहीं है, ऐसा इतना ज्यादा बात है, रुचि भी नहीं है, तो अपना वोट तरीके लिए मोदी। देखिए साफ तौर पर लोगों को यही कहना है मोदी को वोट जो है वो देंगे, लेकिन सांसद की अगर बात आती है तो गुरुग्राम से जो सांसद है राहुल नजीब, उनसे कहीं ना कहीं
ज्यादा अपेक्षाएं वो लोगों को नहीं है। आपसे जान लेते हैं किस तरह देखते हैं आप पार्टी का माहौल, आप देख रहा है और सांसद भी जिस तरीके से लोगों ने बताया कुछ ज्यादा अपेक्षाएं जो है वो उनको नहीं दिख रही है, क्योंकि कभी ना वो उनसे मिले हैं ना उनके क्षेत्र में। सांसद जी तो हमारे मेन सिटी में बहुत कम आते हैं, अभी तक सांसद जो मैं अगर अपने कहूँ तो आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है मेरी। लेकिन जो हम इलेक्शन की बात करें तो मोदी जी के नाम पे वोट जाएंगे और सेंटर में जो गवर्नमेंट बीजेपी की ही आएगी, ये कन्फर्म है। देखिए मोदी के नाम पे भी वोट देना देखते हैं, आप बताएंगे किस तरह देखते हैं आप पार्टी का माहौल आपको पूरे चुनाव में? ओवरऑल माहौल बीजेपी के पक्ष में ही चल रहा है और आएगा तो मोदी, क्योंकि ओवरऑल जो चारों तरफ माहौल मोदी जी के पक्ष में ही 400+ जो लोग हैं वो मोदी को भी वोट देना जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन सांसद से कुछ ज्यादा अपेक्षाएं जो है वो लोगों को नहीं है, क्योंकि ना तो कभी मिले हैं ना उनके क्षेत्र में जो है सांसद वो कभी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी है, बाकी जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को लेकर चिंतन मंथन जो है वो कर रही है। वहीं गुरुग्राम के ये लोग हैं, गुरुग्राम के निवासी हैं, सातों से इनकी राय जो है आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से ये जो लोग हैं मोदी को वोट देना पसंद करते हैं, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं उनको जो है उनसे कोई खास अपेक्षाएं जो है वो इन लोगों को नहीं। कैमरन भविष्य के साथ आकाश पुराना जनता की गुरुग्राम। तो आगामी चुनावों को लेकर खासतौर पर गुड़गांव लोकसभा के लोगों की क्या उम्मीद है, क्या कहना है वो आपने सुना।